कहानी 48वीं। यीशु ही वादे रा बेटा मसीहा। जब परमेश्वर इस धरती री रचना कीती तब सब कुछ सोना था, कोई पाप नहीं था। आदम और हव्वा एक दूजे जो प्यार करां थे और से परमेश्वर कने भी प्यार करां थे। कोई बीमारी मौत नहीं थी, परमेश्वर एड़े संसारा जो चां था। शैताना ने सांपर रूप च बगीचे चाई के हव्वा कने बात कीती भाई तिसा जो धोखा दे सको। तब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप कित्या। तिने जो पाप कित्या तिते खतर धरती पर रहने वाले सारे लोग मराए। जब आदम और हव्वा ने पाप कित्या तब और भी बुरा हुआ, से परमेश्वर रे दुश्मन बनी गए। जितेरी वजह ते हर एक आदमी ने पाप कित्या। हर आदमी जन्मा ते ही परमेश्वर रा दुश्मन आ। परमेश्वर और लोका रे बीच शांति नहीं थी, पर परमेश्वर शांति लियाना चाह था। परमेश्वर ने कसम खाई वैसे हव्वा रे कुलारा एक वंश शैताना रे सिरा जो उचलगा। तीने ए भी बोलिया भाई शैतान तीसरी एड़िया जो डसगा। दूजे तरीके कने बोलिया शैतान मसीह जो मारी देंगा, पर परमेश्वर तिसो दोबारा जिंदा करगा। इत्ते बाद मसीह शैताना री शक्तिया जो सदा खतर खत्म करी देंगा। बहुत साल बाद परमेश्वर ने दिखाया वैसे मसीह यीशुआ। परमेश्वर ने तिस बाड़ा ते अपने परिवारा जो बचाया जिते जो से ले आने वाला था। नूहा ते एक किस्ती बनाने जो बोलिया, इत्ते कने परमेश्वर ने तिना लोका जो बचाया जो तिस पर विश्वास करा थे। जिया से सारे लोग परमेश्वर की नजर च मारने लायक थे वही तिने पाप कित्या था, पर तिना सभी जो बचाने खतर परमेश्वर ने यीशुआ जो भेजा जो तिस पर विश्वास करा थे। सैकड़ों साल तक यहूदी पुजारी परमेश्वर खतर बलिदान कर दे रहे जो असा जो बता भई लोका ने पाप कित्या और ए भी भई से परमेश्वर की तरफा ते सजा रे लायक थे, पर से बलिदान तिनारे पापा जो माफ नहीं करी सकी। यीशु सभी ते बड़ा यहूदी पुजारी है। तिने से कित्या जो कोई बड़ा यहूदी पुजारी नहीं करी सकता। तिने एक मात्र बलिदान होने खतर आपू जो देता जो हर इकारे पापा जो मटाई सका था। तिने मान्या भे परमेश्वर तिनारे पापा जो माफ करने खतर मिंजो बलिदान करे। इते खतर यीशु सिद्ध बड़ा यहूदी पुजारी था। परमेश्वर ने अब्राहमा जो बोलिया आऊं तेरे खतर संसार रे सारे कुल्ला जो आशीष देंगा। यीशु इसी अब्राहमा रे कुल्ला रा था। परमेश्वर अब्राहमा रे द्वारा सब कुल्ला जो आशीष दया जो यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर तिना सभी जो पापा ते बचा। जब लोग यीशु पर विश्वास करें परमेश्वर तिना जो अब्राहमा रे कुल्ला ते माना। परमेश्वर ने अब्राहमा जो बोलिया वैसे अपना इकलौता बेटा तिस खतर बलिदान करो, पर तब परमेश्वर ने इस हका रे बदले बलि करने जो एक भेड़ा रा बच्चा दित्या। असे सब अपने पापा री वजह ते मरने रे लायक थे, पर परमेश्वर ने मारी जगह मरने खतर यीशु जो बलिदान करीता। इते खतर असे यीशु जो परमेश्वर रा मेमना बोला है। जब परमेश्वर ने मिस्र देशा पर आखिरी विपत्ति भेजी तब तीने सभी इसराइल रे परिवारा जो बोलिया भई से एक भेड़ा रे बच्चे री बलि देव। तिस भेड़ा रे बच्चे च कोई दोष नहीं होना चाहिए। जब अपने दरवाजे री चौकटा पर तीतेरा खून लगाना था तब परमेश्वर ने तिस खूना जो देखा तब से तिनारे घर ते आगे चली गया और तिनारे जेठे बेटे जो नहीं मारिया। जब ये सब हुआ तो परमेश्वर ने तीते जो फसेरा त्योहार बोलिया। यीशु फसेरे त्योहारा रे एक भेड़ा रे बच्चे साइया। तिने कदी पाप नहीं कित्या, इते खतर से शुद्ध था। से फसेरे त्योहारा रे समय मरिया। जब कोई यीशु पर विश्वास करा तब यीशु रा खून तिस आदमिया रे पापा जो माफ करा। ए एड़ा जिया परमेश्वर तिस आदमिया गे ते आगे चलीगा और तिसो सजा नहीं दीती। परमेश्वर ने इसराइली लोका कने एक वादा कित्या। से एड़े लोग थे जिना जो परमेश्वर ने अपने लोग होने जो चुनिया था, पर अब परमेश्वर ने एक एड़ा वादा कित्या जो सभी खतर था। अब किसी भी जाता रा कोई भी आदमी इस नए वादे जो मानना तो से परमेश्वर रे लोका च आई जा। से एड़ा इते खतर करा भई से परमेश्वर पर विश्वास करो। मूसा एक एड़ा भविष्य वक्ता था जिने परमेश्वर रे वचना रा बड़ा विश्वास कने प्रचार कित्या, पर यीशु सभी भविष्य वक्ता में ते इका। से परमेश्वर इते खतर तिने जो कुछ कित्या और बोलिया से परमेश्वर रा काम और वचन था। इते खतर पवित्र शास्त्र यीशु जो
परमेश्वरा रा वचन बोला। परमेश्वरा ने राजा दाऊदा कने कसम खाई थी भई राजा रे रूपा च तीसरा एक वंशज परमेश्वरा रे लोका पर सदा राज करगा। यशु परमेश्वरा रा बेटा मसीहा इते खतर से राजा दाऊदा रा वंशज जो सदा खतर राज करी सका। दाऊद तो इसराइला रा राजा था पर यीशु सारे संसारा रा राजा से फेर आउणा और सदा खतर न्याय और सुखा कने अपने राज्य पर राज करगा।